नमस्कार, मैं हेमंत वर्मा और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। खजूर के ऑफ शूट को खेत में डायरेक्ट लगाने से पहले सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ताकि ऑफ शूट से स्वस्थ खजूर पौधा तैयार किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले एक 500 लीटर का ड्रम लेंगे और उसमें पानी डाल दें, या आपके पास जितने लीटर का उपलब्ध है उतना भी ले सकते हैं, बस इसमें ऑफ शूट डूब जाना चाहिए। अब एक प्लास्टिक की बकेट में IBA डाल देंगे। IBA यानी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, यह एक प्रकार का प्लांट हार्मोन ही है जो रूट डेवलपमेंट का काम करता है। यह पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता, लगभग 75% ही घुलता है, इसलिए इसे अल्कोहल में घोल करके उसके बाद ही पानी के टैंक में डालें। मात्रा की बात करें तो 1000 PPM का सॉल्यूशन बनता है, इसलिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम IBA डलेगा। इस हिसाब से अपने 500 लीटर पानी में 500 ग्राम IBA यूज़ करना पड़ेगा। हम बड़े स्केल पर ऑफ शूट निकालने का काम कर रहे हैं, नहीं तो 100 लीटर का ड्रम भी सफिशेंट है। रेट की बात करें तो 100 ग्राम IBA हार्मोन लगभग 8000 रुपये का मिलता है। यह हार्मोन जल्दी से जड़ें निकालने का काम करता है। अगर IBA नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, रूट बिना IBA के भी निकलती है, मगर थोड़ी देरी से। कॉमर्शियली यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बस ध्यान रहे ऑफ शूट का वजन कम से कम 6 किलो से ऊपर हो या इसमें रूट टिश्यू डेवलप हो जहाँ जड़ें निकलती है। प्रैक्टिकल करके देखा गया है कि लगभग 4 किलो वजन वाले ऑफ शूट से भी अच्छी खासी रूट निकल जाती है। बस ज़रूरत है बताए जा रहे सॉल्यूशन में अच्छी तरह से ऑफ शूट को रखने की। इसके बाद फंजीसाइड को भी बाल्टी में मिलाएंगे। कॉपर सल्फेट या कार्बनडिज्म या थायोफिनिट मिथाइल जैसे फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसकी डोज रखें, यानी 1 किलो फंजीसाइड को अच्छी तरह से घोल लें और पानी के इस टैंक में डाल दें। उसके बाद 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से क्लोरोपायरीफॉस कीटनाशक को भी ड्रम में मिला दें और फिर अच्छी तरह से डंडे से हिला दें ताकि सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाए। 1 लीटर इंसेक्टिसाइड क्लोरोपायरीफॉस 450 रुपये का तथा 1 किलो फंजीसाइड लगभग 650 से 1000 रुपये की मिलती है। इसके बाद इकट्ठे किए गए खजूर ऑफ शूट को इसमें रख दें और पूरा क्राउन डूब जाने दें। 20 मिनट बाद इसे निकालकर थैली या डायरेक्ट खेत में गड्ढे में रोपित कर दें। लगभग 3 महीने बाद रूट डेवलपमेंट होने लग जाता है और बीच से यानी पौधे के क्राउन से नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है। खजूर कोई पतझड़ वाला पौधा नहीं है, इसलिए साल में कभी भी इसे लगाया जा सकता है। बस अधिक सर्दी यानी दिसंबर जनवरी महीने में और अधिक गर्मी यानी मई जून में लगाने से पौधे के मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस सॉल्यूशन से जल्दी रूट डेवलप होगी और मिट्टी में पाए जाने वाले इंसेक्ट और रोगों से भी बचाव हो जाएगा। आपका कोई भी सुझाव या जानकारी सहृदय आमंत्रित है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।